पहला क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले के बावना डेहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो दोस्तों चार ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं, छिंदवाड़ा, सतना, रतलाम या रीवा। तो ऑप्शन है छिंदवाड़ा, यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की बेटी है जिनका नाम है भावना डेहरिया, इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा आपका फहराया है। और कब फहराया है तो 15 अगस्त 2022 को ही जो है इनके द्वारा यहाँ पर यह तिरंगा फहराया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की स्लालम प्लेयर शिखा चौहान ने व्हाइट स्पोर्ट्स में कुल कितने मेडल जीते हैं। दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा कुल 3 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते गए। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि गोहरमल में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन है कि गोहरमल आपका कहां पर या कौन से जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो ऑप्शन है दोस्तों भोपाल यहां पर हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन है कि वीर भारत स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है वीर भारत स्मारक का निर्माण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने, अनुराधा पौडवाल, शांतनु मुखर्जी, अनुराधा लेखी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन है अनुराधा पौडवाल यहां पर हमारा राइट आंसर।